वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स फैमिली। रोज सुबह स्नान करना हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन नहाना जरूरी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नहाने से हमारा स्वास्थ्य भी फायदेमंद होता है। यह हमारे मन को शांत करता है। लेकिन जब नहाने की बात आती है तो कई लोग ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग गर्म पानी को महत्व देते हैं। आमतौर पर सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी से नहाने की इच्छा होती है। सन 1980 में एक फिल्म भी तो आई थी, पति पत्नी और वो। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हो गया था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। यूँ समझो ये उस समय का कच्चा बादाम वाला गाना था जो वायरल हुआ था, आप ऐसा समझ सकते हो। यह कई वर्षों तक लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा, यहाँ तक कि मान लिया गया था कि सिर्फ ठंडे पानी से नहाया जा सकता है। पर देखो यार, सर्दियों में नहाने की समस्या तो केवल लड़कों को होती है, वरना लड़कियां तो मुंह पर पोछा मार के काम चला लेती हैं। सर्दियों का ही एक और किस्सा है। सर्दियों में नहाना तो और भी आसान है, पर सर्दियों में इंग्लिश टॉयलेट पर बैठना वैसे सर्दियां शुरू होते ही हमारे मन में गर्म पानी से नहाने का ख्याल आता है। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो जाता है, जिससे हम गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। पर इस पर मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहूँगा, ये मेरी एक कहानी है, आप सब लोग उसको सुनिए, मज़ा आएगा। बहुत ही कड़ाके की ठंड थी, बाहर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था और मेरी रजाई का 55 डिग्री सेल्सियस था। सुबह के 5 बज रहे थे और मुझे 6 बजे कोचिंग के लिए जाना था। अब बिना नहाया जाता तो नींद आती, फिर हमने गर्म पानी से नहाने का विचार किया। फिर हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक मैसेज आता है, गर्म पानी से ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना अच्छा होता है, रोज़ाना ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर क्या था, जिस तरह आप बिना उसकी तह तक पहुँचे उस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक वैसे ही हमने भी उस मैसेज पर विश्वास कर लिया। नहाने का प्लान कैंसिल। अब मैं तैयार था नहाने के लिए, पर 2 डिग्री सेल्सियस में मेरी हालत ऐसे थी, नहाने से पहले मैं साइलेंट मोड पर था और जैसे ही नहाने लगा ना, उस वक्त भाई साहब लाउड मोड ऑन हो गया और नहाने के बाद वाइब्रेशन मोड ऑन हो गया था। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, मजाक को साइड में रखते हैं, पर उस दिन नहाने के बाद मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रहा था। लेकिन आज मैं जब इस पर आर्टिकल पढ़ रहा था कि ठंडे और गर्म पानी से नहाने के लिए अध्ययन भी किया गया है, तो उस आर्टिकल से क्या निष्कर्ष निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे ठंडे और गर्म पानी से होने वाले लाभ और हम लोग को इन दोनों पानी में से किस पानी से नहाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानने वाले हैं ठंडे पानी से होने वाले लाभ। ठंडे पानी से नहाने से हमारी सारी सुस्ती दूर हो जाती है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। ठंडा पानी जब शरीर को छूता है तो सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में आलसपन दूर हो जाता है। ठंडे पानी से नहाने से तनाव, सिर दर्द और थकान से राहत मिलती है। एक स्टडी के मुताबिक कोल्ड शावर लेने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। कोल्ड शावर लेने से शरीर के नुकसानदायक रसायन और हार्मोन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि तनाव और चिंता मुक्त से हम लोग दूर हो जाते हैं। स्किन एक्सपर्ट कहते हैं कि कोल्ड शावर लेने से बाल और त्वचा चमकदार बनते हैं। मुहासों से परेशान व्यक्तियों को ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा रूखी और बेजान होने नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि त्वचा हमारी चमकदार हो जाती है। कोल्ड शावर लेने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ेंगे। वाइट ब्लड सेल्स बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कोल्ड शावर लेने से प्रतिरक्षा प्रणाली और लसिका उत्तेजित होते हैं, जो कि संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाली कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं। एक शोध के मुताबिक जितना एक कप कॉफ़ी पीने से एनर्जी मिलती है, उससे ज़्यादा सुबह कोल्ड शावर लेने से एनर्जी मिलती है। जिन लोगों पर स्टडी की गई थी उनके अनुसार ठंडे पानी में कदम रखने के बाद पहले की अपेक्षा ज़्यादा अलर्ट और ऊर्जा से भरपूर हो गए थे। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक कोल्ड शावर लेने से पुरुष प्रजनन क्षमता बढ़ती है।
क्योंकि गर्म पानी में नहाने से शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है, जिससे अंडकोश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर में नए बच्चों को लाने की तैयारी कर रहे हैं तो ठंडे पानी से ही नहाएं। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो ठंडे पानी से नहाएं। ठंडा पानी आपकी श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाता है, जिससे सारी थकान खत्म हो जाती है और नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है। ठंडे पानी से नहाने के कुछ आयरन फायदे भी हैं, जैसे तनाव कम होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, उत्साह और जागरूकता में बढ़ोतरी होती है, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। कोल्ड शावर लेने से आप उन परिस्थितियों से भी लड़ सकते हैं जिनसे आप डरते हैं और असहज महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानने वाले हैं गर्म पानी से नहाने से होने वाले फ़ायदे। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए आए थे यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो। तो अभी हम लोग जानते हैं गर्म पानी से नहाने से होने वाले फ़ायदे। गर्म तापमान कीटाणुओं को अधिक मारता है, इसलिए गर्म पानी से नहाने से शरीर की सफाई होती है, मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार होता है और गले की मांसपेशियों को आराम देने में भी मदद करता है। शरीर में शुगर लेवल कम होता है, जिससे डायबिटीज़ का जोखिम कम हो जाता है। खांसी और सर्दी में फ़ायदेमंद है, क्योंकि भाप वायुमार्ग को साफ करने और आपके गले और बंद नाक को खोलने में मदद करता है। तो ये थे हमारे कुछ हॉट वाटर के फ़ायदे, हॉट वाटर से नहाने के फ़ायदे। लेकिन से अभी दुविधा ये आती है कि हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो अध्ययन में हमें ये भी बताया गया है कि किसके लिए कौन से पानी से नहाना मतलब कि फ़ायदेमंद होगा। तो आयुर्वेदिक को माने तो शरीर के लिए गर्म पानी और सिर के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से आपकी आंखें और बाल धोना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पानी का तापमान कुछ और कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे आपकी उम्र, आपकी बॉडी टाइप, आपके पास कोई रोग है कि नहीं, आपकी आदतें, आपके नहाने का समय। तो अगर आपकी उम्र जो है, आप युवा हैं तो आपको ठंडे पानी से, और आप अगर बुजुर्ग हैं तो गर्म पानी से नहाने की सलाह दी जाती है। अब बॉडी टाइप के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी टाइप पित्त है तो बेहतर होगा कि आप नहाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, और अगर आपकी बॉडी टाइप कफ या वात है तो गर्म पानी से इस्तेमाल करें नहाने के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिसऑर्डर्स के लिए। अगर आपके पित्त संबंधी कोई रोग है, रोग से पीड़ित हैं, जैसे अपच या लीवर डिसऑर्डर्स, तो ठंडे पानी से नहाएं। और यदि आप कफ या वात संबंधी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं तो गर्म पानी से स्नान करना बेहतर है। आपकी आदतें भी नहाने के लिए निर्भर करती हैं। अगर आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं तो गर्म पानी से नहाएं। आपके नहाने का समय भी आपके नहाने के तापमान पर निर्भर करता है। अगर आप सुबह नहाते हैं तो ठंडे पानी से नहाना अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप रात को नहा रहे हैं तो गर्म पानी से नहाने से आपको आराम महसूस होगा। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मिर्गी के रोगियों को गर्म पानी या ठंडे पानी से नहाने की सलाह नहीं दी जाती है, इसके बजाय उन्हें गुनगुने पानी से नहाने की सलाह दी जाती है। तो आपको आपका जो आंसर है लगभग मिल ही गया होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम लोग जो है मिलते हैं ऐसी और भी वीडियोज़ के साथ, नई वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।